हेलो एवरीवन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटर बैंक मार्केट एंड मर्चेंट बैंक मार्केट के बारे में। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर फ्रेंड सर्कल में अगर आपको सही लगती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। देखिए, करेंसी मार्केट में जो करेंसी की जो फॉरेक्स मार्केट है हमारी, वहां पे तीन तरीके के आपके बैंकिंग सेगमेंट होते हैं। पहला इंटर बैंक मार्केट होता है, दूसरा मर्चेंट बैंक मार्केट होता है और इंटरनेशनल बैंक मार्केट होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक मार्केट के बारे में बात नहीं की जा रही, तो हम भी यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल हम इंटर बैंक मार्केट और मर्चेंट बैंक मार्केट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को ऑथराइज पर्सन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ऑथराइज पर्सन या ऑथराइज डीलर क्या होता है? जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू उसे ये ऑथराइज कर दिया गया है कि वो फॉरेन करेंसी में डील कर सकता है, वो पर्सन या वो एंटिटी, वो कॉर्पोरेट आपका ऑथराइज पर्सन या ऑथराइज डीलर कहलाता है। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सेबी के बहुत सारे अप्रूवल चाहिए और साथ ही साथ सेबी के लाइसेंस भी चाहिए। ठीक है, उसी तरह बैंक का काम करने के लिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और आरबीआई का लाइसेंस चाहिए। ठीक, उसी तरीके से आपका फॉरेन एक्सचेंज में काम करने के लिए इन कुछ लाइसेंस के साथ साथ आपको एक और लाइसेंस चाहिए जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, पीमा का या फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, तो जिनको ये लाइसेंस मिलता है वो ही ऑथराइज पर्सन कहलाते हैं, चाहे वो एंटिटी हो चाहे वो बैंक भी खुद ऑथराइज पर्सन हो सकती है। क्लियर है ये चीजें? ऑथराइज वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एक कंपनी भी हो सकती है जैसे थॉमस कुक हो गई। ठीक है, और साथ ही साथ कोई बैंक्स भी हो सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब अच्छे से समझते हैं इंटर बैंक मार्केट को और मर्चेंट बैंक मार्केट को। इसको मैं आप लोगों को एक व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाना चाहूंगा, होपफुली आप सभी लोगों के सामने खुल गया होगा। ठीक है, ये आपके सामने है। यहाँ पे सपोज करिए एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये कौन है? नॉर्मल पब्लिक है। ठीक है, और साथ ही साथ जो दूसरी एंटिटी है ये कॉर्पोरेट बना लेते हैं हम लोग। ये क्या है? ये एक बैंक है। ऑथराइज पर्सन लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल सा केवल लिखता हूँ ऑथराइज पर्सन। ये एपी है और ये जो है ये आपका एक सिंपल सा पर्सन। सिंपल सा पर्सन है या पब्लिक है। ठीक, अब एक और सिंपल एग्जांपल में यहाँ पे दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। जब कोई एंटिटी या कोई ऑथराइज पर्सन एक जनरल पब्लिक के साथ डील करता है, उसके साथ वो फॉरेन एक्सचेंज करता है, मतलब इसको जरूरत पड़ेगी डॉलर की तो भागता हुआ दौड़ते हुए जाएगा इस एंटिटी के पास, इस ऑथराइज पर्सन के पास। ठीक है, डॉलर खरीदेगा अगर खरीदना होगा तो, या बेचना चाहेगा, लिक्विड कराना चाहेगा तो इसको बेचेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों में जब डील करेगा नॉर्मल पब्लिक, जो ये डील करेगी वो आपकी पब्लिक डीलिंग अगर होगी तो वो जो बैंक है, वो जो मार्केट है वो मर्चेंट मार्केट कहलाएगा। क्लियर? पब्लिक डीलिंग जब होगी, पब्लिक के साथ ये डीलिंग होगी, बाई और सेल करने की डीलिंग, वो होती है आपकी ऑथराइज पर्सन के थ्रू अगर होती है वो होता है मर्चेंट मार्केट। क्लियर हो गया आपको? इसी को हम लोग बोलते हैं मर्चेंट मार्केट। और वहीं पे यहां पे पब्लिक ना हो करके, यहां पे ये पब्लिक ना हो करके एक ऑथराइज पर्सन है। ठीक है, पब्लिक ना हो करके यहां पे भी मुझे अभी पिक्चर बनानी पड़ेगी कि ये भी एक एपी है। अब दो एपी, एपी मैंने बताया था कि एपी ऑथराइज पर्सन आपस में बैंक भी हो सकते हैं। ठीक है, और बैंक के अलावा कुछ डीलर्स भी हो सकते हैं, वो सभी लोग आपके ऑथराइज पर्सन हो सकते हैं। जब दो ऑथराइज पर्सन या दो से अधिक, या दो ऑथराइज पर्सन में, यहाँ पे मैं बैंक का भी एग्जांपल दे ले रहा हूँ, चलिए छोड़िए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस चीज को। जब दो बैंक, अब क्लियर है आपको, जब दो बैंक आपस में डील करते हैं, जब दो बैंक आपस में डील करते हैं
बैंक नंबर वन और बैंक नंबर टू। जब दो बैंक आपस में डील करते हैं और उनके बीच में एक पर्सन होता है जो होता है ऑथराइज पर्सन, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ऑथराइज पर्सन एपी हो गया और ये आपका बैंक नंबर वन और बैंक नंबर टू आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। जब ये ऑथराइज पर्सन कौन, जिसको फीमा का रजिस्ट्रेशन प्राप्त है, फीमा का रजिस्ट्रेशन इसको मिला हुआ है, वो दो बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन्स करवाता है, एक बैंक नहीं दोनों बैंकों के बीच में वो ट्रांजेक्शन करवाता है, एक बैंक का दूसरे बैंक में। जैसे ये SBI, इसको मान लेते हैं ये SBI है, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं कैनरा बैंक है। जब इन दोनों के बीच आपका कैनरा, सी फॉर कैनरा, इन दोनों के बीच जब ये ट्रांजेक्शन कराता है तो एक को ये सेल करने का प्राइस देगा, ठीक है, और एक को बाई करने का, जैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज में होता है, हम जो स्टॉक मार्केट में होता है। तो इन दोनों के बीच जब ये दोनों कोटेशन प्रोवाइड करता है और इन दोनों के बीच जब आपस में ट्रांजेक्शन कराता है दो बैंकों के बीच में, तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये आपके इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं। इसमें एक डिफरेंस है मर्चेंट बैंक में, इसमें केवल बैंक टू बैंक इन्वॉल्व है, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या होता है आपके मर्चेंट बैंक में वहां पे पब्लिक इन्वॉल्व होती है, वो डीलिंग पब्लिक से होती है। और SBI और कैनरा बैंक के बीच में जो डीलिंग है वो डीलर करवा रहा है। हो सकता है ये जो ऑथराइज पर्सन है ये किसी एंटिटी के साथ साथ ये खुद भी एक बैंक हो सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसा एक फॉरेन बैंक हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होगा कि ऑथराइज पर्सन बैंक नहीं हो सकता, बैंक हो सकता है। सपोज करिए बैंक ऑफ, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, उसने SBI और कैनरा बैंक के साथ, अगर वो ऑथराइज पर्सन है उसको ये डेजिग्नेशन मिली हुई है तो वो SBI और कैनरा बैंक में डीलिंग करवा रहा है तो वो भी ऑथराइज पर्सन कहलाएगा, तो ये भी बैंक हो सकता है। तो बस सिंपल से ये यहाँ पे ऑथराइज जो पर्सन है ये डीलर है, ये दो बैंकों के बीच आपस में ट्रांजेक्शन करा रहा है और इस तरीके की जो मार्केट होती है ये आपकी इंटर बैंक मार्केट कहलाती है। डिफरेंस दोनों क्लियर हो गया होगा आपको, तो इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ और फिर से अपनी PPT को शेयर करता हूँ। तो यहीं पे हम लोग ये चीज पढ़ेंगे फटाफट और पढ़ के हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल दिया है वो डिटेल में दिया है, हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को चीज क्लियरिटी ना मिले, बट मैंने कुछ एक्सचेंज और कुछ एक्सचेंज की बुक्स पढ़ के और उनको अच्छे से समराइज करके अच्छे एग्जाम्पल के साथ सेट करने की कोशिश कर दी और आपको एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। इंटरबैंक मार्केट इज द मार्केट बिटवीन बैंक्स वेयर द डीलर्स फॉर द प्राइस, जहाँ देखा कि वो डीलर था वो दोनों तरफ बाय और सेल करने का कोटेशन देता है। सिमिलरली डीलर्स इन इंटर बैंक मार्केट कोट प्राइस फॉर बोथ, बाय करने का और सेल करने का दोनों कोट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग टू वे कोट्स बोलते हैं, ठीक है। इन द मेजोरिटी ऑफ मर्चेंट मार्केट, अब मर्चेंट मार्केट में क्या होता है, मर्चेंट्स आर प्राइस टेकर, वो क्या करते हैं केवल खरीदते हैं, और बैंक क्या होता है वो प्राइस गिवर होता है, वो कोटेशन देता है पब्लिक को, ठीक है। ऑल्दो फ्यू लार्ज मर्चेंट ऑफ कॉर्पोरेट्स मे आस्क बैंक टू कोट टू वे प्राइस, लेकिन कुछ ऐसे कुछ लार्ज मर्चेंट्स हैं जो कि कॉर्पोरेट हैं, वो बैंक से कहते हैं कि आप भी टू वे कोट प्रोवाइड करो ताकि मर्चेंट मार्केट में भी दोनों तरफ हमारा इंटरेस्ट बना रहे बाई करने में और सेल करने में, ठीक है। तो अगर सिंपल सा डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताया, इंटर बैंक मार्केट में पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, दो बैंकों के बीच में एक ऑथराइज पर्सन डील करवाता है और वो जो ऑथराइज डीलर होता है वो टू वे कोट्स मतलब दोनों साइड की कोटेशन दे सकता है। बट मर्चेंट मार्केट में क्या होता है, बैंक क्या होती है वो प्राइस गिवर होती है और जो जनरल पब्लिक होती है वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी है कि कुछ लार्ज मर्चेंट होते हैं उनको बोलने के लिए कि आप दोनों चीजें प्रोवाइड करो ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे, बस सिंपल है, उसमें पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व होती है, इसमें पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। टू वे कोटेशन मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बाई करने का प्राइस और सेल करने का दोनों प्राइस, द बिड प्राइस लोअर इज द कोटेड प्राइस फर्स्ट फॉलोज बाय द ऑफर प्राइस हायर प्राइस, ठीक है। ऑफर प्राइस मतलब जिसपे एक्सचेंज आपको सेल करता है, ठीक है, और बिड प्राइस जिसपे एक्सचेंज आपसे बाई करता है। द ऑफर प्राइस इज जनरली कोटेड इन एब्रीविएशन फॉर्म, इन केस ऑफ द करेंसी पेयर इज कोटेड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, देन ऑफर प्राइस इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, एंड इफ द करेंसी पेयर इज कोटेड इन द 2 डेसिमल प्लेसेस देन द ऑफर प्राइस, ये सिंपल सा कुछ नहीं है, जैसे 75 रुपए 25 पैसे डॉलर चल रहा है, ठीक है,
वहां पे कोटेशन जो आपका बिट प्राइस दिया है 75.2525 एग्जांपल, तो ऑब्लिक वहीं पे ऑफर प्राइस होगा जैसे 75.2550 अगर लिखा हुआ है, तो वहां पे वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरे डेसिमल आपको देगा, केवल लास्ट के 2 decimal लिख देगा जैसे 0.50। इसका मतलब क्या हो गया, 75.2525 ये तुम्हारा बिट प्राइस हो गया, उसके ऑब्लिक में 0.50 लिखा होगा जिसका मतलब होगा 75.2550। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो को, आपको यहाँ पे चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसमें टाइम दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसको जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, जो भी बेस करेंसी होती है उसके कंपैरिजन में जो कोट करेंसी होती है वो उसका बढ़ना और घटना, यही आपका एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन कहलाता है करेंसी में। जैसे फॉर द एग्जांपल यूएस डॉलर और INR, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यूएस डॉलर बेस करेंसी है जिसका प्राइस आज है 75 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, कल को यूएस डॉलर 75 रुपीज 75 पैसे अगर हो जाए तो 0.25 पैसे डॉलर मजबूत हो गया, और वीक कौन हुआ, वीक हुआ आपकी कोटेशन करेंसी मतलब इंडियन रुपीस, यूएसडी INR में इंडियन रुपीस। इसी तरीके से आपका यूएस डॉलर 75.50 है और घट करके 75.25 हो गया, तो इसमें बेस करेंसी कमजोर हो गई, ठीक है, और जो आपकी कोट करेंसी है वो मजबूत हो गई, वो स्ट्रांग हो गई, क्योंकि वो 25 पैसे से यूएस डॉलर घट गया है, इसका मतलब रुपया 25 पैसे से बढ़ गया है। तो अगर जब भी लेते हैं हम बेस करेंसी, ठीक है, बेस करेंसी का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है, और कोट करेंसी का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन दोनों आपका अपोजिट होता है, क्योंकि एक करेंसी बढ़ेगी तो दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली घटेगी। तो अगर यूएस डॉलर बढ़ रहा है, इसमें पूछा जाए कि एप्रिशिएट कौन हो रहा है, उसमें यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, और अगर यूएस डॉलर घट रहा है तो इसमें पूछा जाए कौन सी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, उसमें INR एप्रिशिएट हो रही है। क्लियर है? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके ये चीजें पढ़ सकते हो, मैं इसको डिफाइन कर चुका हूं इसलिए मैं इसको पढ़ना नहीं चाहूंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट टाइमिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। मार्केट टाइमिंग जैसे हमारे इंडिया में आप लोगों को पता हुआ है, सुबह 9 बजे से करेंसी मार्केट हमारी ओपन हो जाती है और शाम को 5 बजे ये कंप्लीट खत्म हो जाती है। ठीक है, और जो भी आपके मर्चेंट मार्केट्स होते हैं जनरल नॉर्मल पब्लिक डीलिंग के लिए, उनका जो टाइमिंग दिया गया है यहाँ पे सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक का होता है, और लास्ट का जो आधा घंटा होता है वो इंटर बैंक डीलिंग और उनके जो एक्सेस पोजिशन है उनके सेटलमेंट के लिए होता है। ये माइंड में रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्राइस बेंचमार्क, बैंक प्राइस लार्ज वैल्यू मर्चेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंटरबैंक रेट। इंटरबैंक रेट द प्राइस अवेलेबल टू द बैंक इन द इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक मार्केट मैंने कहा ना, दो बैंकों के बीच आपस में जो ट्रांजेक्शन होता है डीलर के थ्रू, तो इसमें हो सकता है कि एक बैंक अपना एक अलग प्राइस डिसाइड करे और दूसरा बैंक अपना एक अलग प्राइस डिसाइड करे बाय और सेल करने का। तो ये जो डिसाइड होता है, ये जो बैंक रेट होता है, इसे हम लोग इंटर बैंक रेट बोलते हैं, और ये दोनों के बीच आपस में डिफरेंस भी हो सकता है। कभी कभी कुछ स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन, छोटे वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्राइस सेट किए जाते हैं पूरे दिन के लिए, पूरे उस पर्टिकुलर डे के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं कार्ड रेट, उसे हम लोग कार्ड रेट बोलते हैं। जब स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए पूरे दिन जो भी इंटर बैंक रेट होता है वो पूरे एक दिन तक के लिए वैलिड होता है। ऑन मोस्ट डेज फॉर मोस्ट बैंक्स द कार्ड रेट इज सेम फॉर द होल डे। अगर आज कोई IBR रेट है, ठीक है, अगर वो डिसाइड किया गया, कोई कार्ड रेट है वो डिसाइड किया गया, तो पूरे दिन उसी रेट पे आपका ट्रांजेक्शन होता है। ये हमारे फॉरेन करेंसी जो एक्सचेंज की तरह हर समय चेंज नहीं होता है। ठीक है, IBR जो रेट है वो फिक्स होता है, फिर उस दिन जो भी ट्रांजेक्शन होते होंगे उसी कार्ड रेट पे होंगे। क्लियर है? प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी का सिंपल सा एग्जांपल, जहां बायर और सेलर दोनों आपस में मिलते हैं और एक नए प्राइस पे जब ट्रेड हो जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में लास्ट ट्रेड प्राइस भी बोलते हैं, तो उसी को हम लोग प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। ये आपका जो पॉइंट होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम ये आपका इकोनॉमिक्स का वर्ड है, जहां पे बायर और सेलर दोनों आपस में मैच कर जाते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोला जाता है इसको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, RBI रेफरेंस रेट। RBI रेफरेंस रेट जनरली हमारे पास जो आता है वो 1 बजे के आसपास आ जाता है।
11:45 से लेकर के 12:15 के बीच में एक पोल डिसाइड किया जाता है हमारे आरबीआई में, और उसके उसके साथ पूरे वर्ल्ड और कंट्रीज के रेट्स को देखते हुए एक फिक्स प्राइस दिया जाता है हमारे आरबीआई की तरफ से। वो जो प्राइस होता है आरबीआई का रेफरेंस रेट होता है, और उसी रेट पर ओवर द काउंटर जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जो भी फिजिकल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस रेट आने के बाद पूरे नेक्स्ट 24 घंटे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, वो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके आरबीआई के रेफरेंस रेट पे होते हैं। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, क्लियर है? आप आरबीआई रेफरेंस रेट इज द रेट पब्लिश बाय डेली बाय द, और ये डेली आपका आरबीआई पब्लिश करती है डेली बाय आरबीआई फॉर स्पॉट रेट फॉर वेरियस करेंसी पेयर्स, अलग अलग करेंसी पेयर्स के लिए, जैसे डॉलर के लिए भी अलग रेट होगा, यूरो के लिए अलग होगा, जापानी येन के लिए अलग होगा, सभी के अपने रेफरेंस रेट देती है। द रिजर्व बैंक पीरियोडिकली रिव्यूज द प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग द बैंक्स एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ पोलिंग सो एज द इंश्योर्ड दैट द रेफरेंस रेट इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द मार्केट एक्टिविटी। क्योंकि देखिए हर समय एक्सचेंज का जो रेट होता है वो डिफरेंस होता रहता है, एक एक सेकंड पे वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन एक जहाँ फिजिकल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसे हमें एक रेट तो ऐसा चाहिए ना, तो वो एक रेट डिसाइड करती है, वो काम होता है आरबीआई का, जिससे फिजिकल मार्केट का जो ट्रांजेक्शन है वो हो सके। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन डन एट आरबीआई रेट इवन ऑन ओटीसी मार्केट, और जो भी लार्ज जो ट्रांजेक्शन है जो कि आपके स्पॉट मार्केट पे हो रहे हैं और ओटीसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सभी के सभी आपके आरबीआई रेफरेंस रेट पे ही होते हैं। ठीक है, जनरल पब्लिक के या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ट्रांजेक्शन होंगे उस पार्टिकुलर डे पे वो आपके आरबीआई रेफरेंस रेट पे ही होंगे। सेटलमेंट डेट और वैल्यू डेट, सेटलमेंट डेट और वैल्यू डेट दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे सेटलमेंट दो तरीके का होता है, एक क्या होता है जब दो पर्सन के बीच आपस में ये डीलिंग हो जाए कि मैं इस पार्टिकुलर डेट पे, सपोज करिए आज 1 जुलाई है, ठीक है, और 31 जुलाई को कोई पर्सन बोल दिया कि मैं 31 जुलाई को ये कॉन्ट्रैक्ट तुमसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा, जो भी प्राइस होगा वो तुम मुझे दे देना, मैं अपना माल तुम्हें इतने में बेच दूंगा। तो ये इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो 31 तारीख के बाद वो मेच्योरिटी डेट पे जो कंप्लीट होता है, इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे हम लोग ग्रॉस सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या ग्रॉस सेटलमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। वहीं पे दूसरे पर्सन में दो लोगों के बीच में आपस में वैल्यू को लेकर के ट्रेड होता है, जैसे कि करेंसी मार्केट में हम लोग देखते हैं कि डॉलर आज 76.25 रुपए है, हमने एक एक्सपायरी खरीद ली, ठीक है, 31 जुलाई की सपोज करिए एक्सपायरी खरीद ली, 76.25 रुपए है, एक बायर वहां पे बाई कर रहा है तो दूसरा ना कोई ना कोई इसको सेल कर रहा होगा, ठीक है, और डेली जो जो प्राइस घट या बढ़ रहा होगा मार्केट क्या करती है, दोनों को आपस में सेटल करती जाती है, मार्क टू मार्केट जो एग्जाम्पल होता है, डेली का डेली जैसे 25 पैसे घटा तो जिसने जो 25 पैसे बाई करने वाले बायर के हिसाब से घटा तो वो 25 पैसे का डिफरेंस बायर से काट लेगी और जिसने जो सेल करके पोजीशन में बैठा है उसके लेजर में वो पोस्ट कर देगी। तो इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है वो आपका नेट सेटलमेंट मैकेनिज्म कहलाता है। उसी तरीके से फिर से वापस आ जाते हैं हम लोग फिजिकल मार्केट को ही अपने माइंड में रखिएगा। फिजिकल मार्केट में क्या होता है, जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है वो आपका ट्रांजेक्शन, जिस दिन हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ये माल आपको पार्टिकुलर इस डेट पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, 31 जुलाई को हम ये माल आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आज हम जो ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो आपका ट्रांजेक्शन डेट होता है। और साथ ही साथ जिस दिन मेच्योरिटी डेट होती है वो आपकी जो मेच्योरिटी डेट होती है वो कहलाती है आपकी सेटलमेंट डेट, क्लियर, वो आपकी जिस दिन मैच्योरिटी होती है वो आपकी सेटलमेंट डेट कहलाती है और इसी को हम लोग वैल्यू डेट कहलाते हैं। उस डेट पे जो भी प्राइस होगा चाहे 76.50 रुपए है चाहे 76.75 रुपए है, जो रेट होगा आपस में डिसाइड कर लिया गया, ये माल उस दिन यूएस डॉलर जितने में भी होगा 31 तारीख को उस पे मैं आपको सेल कर दूंगा, तो जो भी रेट होगा आपको वो बेयर करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रांजेक्शन डेट कहलाता है, जिस दिन उसका मैच्योरिटी डेट आ जाती है वो आपका सेटलमेंट डेट कहलाती है। ट्रांजेक्शन डेट जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और सेटलमेंट डेट जिस दिन वो मैच्योर हो रहा है। और सेटलमेंट के साथ साथ स्पॉट वैल्यू डेट क्या होता है, सेटलमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू डेट इज द स्पॉट वैल्यू डेट। अब सेटलमेंट डेट के बाद दो वर्किंग डे,
दो वर्किंग डे के बाद जो डेट आती है उसे बोला जाता है स्पॉट वैल्यू डेट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन मेच्योरिटी हुई उसे मेच्योरिटी डेट बोला जाता है, और उस मेच्योरिटी डेट के दो बिजनेस डेज यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। दो बिजनेस डे जो आपके आते हैं वो आपके स्पॉट वैल्यू डेट कहलाता है। पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। अनलाइकली करेंसी फ्यूचर मार्केट या सेटलमेंट इन ओवर द काउंटर स्पॉट मार्केट हैपेंस बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ करेंसी मैकेनिज्म सेटलमेंट वेयर द ईच काउंटर पार्टी एक्सचेंज द गुड्स ट्रेडेड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे दोनों लोग आपस में फिजिकल मार्केट की तरह काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जब मैच्योरिटी आ गई हम उसको सेटल कर देंगे। तो उस तरीके का जो होता है, तुम हमें माल देना हम तुम्हें पैसे दे देंगे, वो आता है ग्रॉस सेटलमेंट मैकेनिज्म। और जहाँ पे दो करेंसीज आपस में एक पर्सन बाई कर रहा है और सेल कर रहा है, जो भी वैल्यू का डिफरेंस है आपस में एडजस्ट करता जा रहा है, वो आपका नेट सेटलमेंट होता है। प्लीज नोट दैट वैल्यू डेट इज द डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डेट। ऑन ट्रेड डेट टू काउंटर पार्टीज एग्री टू ट्रांजेक्शन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट होता है, और वैल्यू डेट या सेटलमेंट डेट वो होता है जिस दिन आपकी मेच्योरिटी होती है। ठीक है, द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर काउंटर पार्टीज एक्चुअली एक्सचेंज करेंसी, 31 तारीख दिया गया है जुलाई में एग्जाम्पल में, 31 तारीख वो आपकी वैल्यू डेट आपकी या सेटलमेंट डेट कहलाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू डेट इज द स्पॉट वैल्यू डेट विच इज सेटलमेंट आफ्टर टू बिजनेस डेट, और वही 31 जुलाई को खत्म नहीं हो जाएगा। जुलाई को दोनों ने एग्री कर लिया कि इतने इतने पे ये होगा, अब उसके दो बिजनेस डेट, दो वर्किंग बिजनेस डेट, मतलब कि 1 तारीख और 2 तारीख, उसके जो दूसरा डे होगा टू बिजनेस डेज के बाद जो डेट होगी वो आपकी स्पॉट वैल्यू डेट कहलाएगी। ठीक है, ये आपको सीधा सा आपके माइंड में ये रखना है, जिस दिन ट्रांजेक्शन बना वो ट्रांजेक्शन डेट हुआ, जिस दिन मेच्योरिटी हो रही है वो आपका सेटलमेंट डेट या वैल्यू डेट हुआ। और कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है कि स्पॉट वैल्यू डेट क्या होता है, तो 2 दिन बाद का जो डेट होता है वो आपका स्पॉट वैल्यू डेट कहलाता है। ठीक है, 2 दिन बाद का मतलब 3 अगस्त यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देखें तो तीनों चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओटीसी फॉरवर्ड मार्केट, ओटीसी फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हम लोग डेली रूटीन की चीजें खरीदते हैं, अपनी जरूरी चीजें खरीदते हैं, या अगर हम दुकानदार है तो बेचते हैं। इसीलिए इसको ओवर द काउंटर मार्केट बोला जाता है या फॉरवर्ड मार्केट भी बोला जाता है। ठीक है, सीधा बंदा कोई कस्टमर आया, उसने पैसे दिए, अपना माल खरीदा और चला गया। ठीक है, या कभी कभी तो एक सुनार है या कोई और कॉन्ट्रैक्ट है या आपका बिल्डिंग खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्लैट आप खरीद रहे हो, तो एक एग्रीमेंट हो जाता है दो पार्टीज के बीच में, आपस में डिसाइड होके नेगोशिएट होके कि हम इतना पैसा आपको दे रहे हैं, इतना पैसा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस डेट पे हम आपको ये फर्दर पैसा दे देंगे और ये चीज उसके बाद हमारी हो जाएगी और ये पैसा आपका हो जाएगा, और आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेते हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने तक वेट करते हैं। इस तरीके का जो खुद कस्टमाइज किया हुआ जो मार्केट होता है, इस तरीके का जो ट्रेड होता है वो आपका ओवर द काउंटर फॉरवर्ड मार्केट होता है, ओटीसी मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट होती है। इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस सेटलमेंट और नेट सेटलमेंट मैंने दोनों चीजें आपको बता दी थी। ठीक है, यही होता है ओवर द काउंटर। और डिफरेंस मैं बता दूंगा अपने स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में या फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, जिस मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं उसमें हर चीज पहले से डिसाइड होती है। एक्सपायरी अगर 28 को होनी है तो 28 को होगी, इनिशियल मार्जिन आपको देना है तो वो देना ही देना है, जो भी सेटलमेंट होगा एक पर्सन से काटा जाएगा बायर और सेलर के बीच में, जो भी नेट बैलेंस होगा वो मार्क टू मार्केट होकर के डिफरेंस एडजस्ट होता चला जाता है। तो उसमें कोई भी पर्सनली कोई भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में इंसान चेंज कर सकता है। ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है ओटीसी मार्केट में और एक्सचेंज मार्केट में। क्लियर, जल्दी जल्दी, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक्सचेंज रेट, अर्थमेटिक क्रॉस रेट, कभी कभी दो करेंसी पेयर ऐसे होते हैं जिनका आपस में लिंक नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हमें उससे रिलेटेड करेंसी से के साथ मिलकर के काम करना पड़ता है। जैसे फॉर सम करेंसी पेयर प्राइस आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, जैसे यूएसडी और यूरो हमें चाहिए। ठीक है, इनको इस करेंसी का पेयर चाहिए और ये किसी जगह पे अगर आपस में अवेलेबल नहीं है तो उसकी लिंक करेंसी यूएसडी INR और यूरो INR, उसकी लिंक करेंसी के थ्रू हमें काम करना पड़ जाता है। जैसे हमें यूरो खरीदना है तो यूरो INR हम बाई कर लेंगे, और डॉलर हमें बेचना था तो डॉलर INR हम सेल कर देंगे, और आपस में जो भी डिफरेंसेस आते हैं
उसके थ्रू हम लोग वो ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके का जब रेट होता है तो उस रेट को हम लोग क्रॉस रेट बोलते हैं। क्लियर है? जब हमेशा माइंड में ये रखना है, जब दो करेंसी पेयर आपस में मिलते नहीं है तो उसकी पैरेलल करेंसी के साथ हम लोग एक रिलेशन मेंटेन करते हैं और जो हम बाई और सेल करते हैं वो क्रॉस रेट कहलाता है। फॉर सम करेंसी पेयर्स प्राइसेस आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल एंड आर रेदर डिराइव्ड बाय द क्रॉसिंग द प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग करेंसी पेयर्स। क्रॉसिंग द प्राइसेस टू अराइव द प्राइस ऑफ द करेंसी पेयर कुड इन्वॉल्व आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द अंडरलाइंग प्राइसेस इन मार्केट पैरेलल्स द प्राइस ऑफ करेंसी पेयर फॉर विद डायरेक्ट प्राइसेस नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड एज क्रॉस रेट। डायरेक्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है इसलिए हम इसे क्रॉस रेट बोलेंगे। इसकी कैलकुलेशन तक मैं आपको इसलिए नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वो एग्जाम में आता नहीं है और इररिलेवेंट है, वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं आप जल्दी से। लेट अस स्टार्ट द कंप्यूटेशन ऑफ क्रॉस रेट यूजिंग द बाई साइड आर्गुमेंट दैट इज प्राइस ऑफ 1 euro INR एज अंडरस्टूड फ्रॉम द अंडरलाइन करेंसी पेयर द प्राइस ऑफ यूरो इज डायरेक्टली अवेलेबल ओनली इन टर्म्स ऑफ USD। देयरफॉर यू नीड टू sell INR to buy USD and further sell the USD receive the receive to buy euro. It is important to identify this forex conversion path of the selling one currency and buying another currency to calculate the cross rate. अब यहाँ पे देखा जाए कि यूरो अगर आपको लगता है कि यूरो गिरेगा, ठीक है, तो आप यूरो सेल करना चाहते हो तो यूरो INR आपको सेल करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वही USD आपको बाई करना है तो USD INR आपको बाई करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली पेयर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको क्रॉस करेंसीज में काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन अगर यहाँ पे मैं आपको बता पाता उसमें काफी समय लग जाएगा, किसी और वीडियो में कभी आप कमेंट कर देना नहीं क्लियर होगा तो मैं आपको उसकी कैलकुलेशन बता दूंगा जिससे आपको वो चीज भी क्लियर हो जाएगी, जबकि एग्जाम के लिए इतना डिटेल अवेलेबल मतलब कि डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, तो मैं स्किप कर रहा हूँ इस पोर्शन को। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन करेंसी प्राइसेस, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि किसी करेंसी की बढ़ने और घटने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो एक हमेशा इवेंट होते हैं। स्टॉक मार्केट को जैसे कोई भी रिएक्ट करने के लिए एक इवेंट की जरूरत होती है, इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे करेंसी के प्राइसेस को भी अप एंड डाउन करते हैं, उनके रीजंस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी करेंसी की वैल्यू को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, डिप्रिशिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ग्लोबल मार्केट होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या मानेंगे हम लोग आपका GDP हो गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, डिफिसिट सिचुएशन हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हो गया, पॉलिसीज हो गई, और इस तरीके से बहुत सी चीजें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं। टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर ऑन द करेंसी मार्केट इट इज इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड द की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की डेटा रिलीजेस देयर इंटरप्रिटेशन एंड इम्पैक्ट टू ऑन मार्केट। किसी भी चीज का इकोनॉमिक फैक्टर का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फॉरेन करेंसीज पे या हमारे करेंसीज पे, इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये होता है कि हमें उन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए और हमें एनालिसिस करना भी आना चाहिए, ठीक। सिंस करेंसी मार्केट इज अ ग्लोबलाइज्ड मार्केट एंड वैल्यू ऑफ द करेंसी इज ऑलवेज डिटरमाइंड अगेंस्ट अनदर करेंसी, क्योंकि जो आपकी फॉरेन करेंसीज मार्केट है, करेंसी मार्केट है, वो ग्लोबल पे डिपेंड होता है। ग्लोबल में कोई भी स्ट्रक्चर हुआ, चेंज हुआ, तो उससे हमारी करेंसी पे जो भी प्रेशर हुआ या अप्रिसिएशन हुआ उससे दोनों करेंसी आपस में इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें हमें काफी डिटेल नॉलेज रखनी पड़ती है अगर हम फॉरेन करेंसीज में काम कर रहे हैं, फॉरेक्स में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हम लोग उसके बारे में जानते हैं। पहला होता है GDP। GDP का मतलब सिंपल से क्या होता है, यहाँ पे बस इतना बताऊंगा, हमारे इंडिया में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है उनका एक प्रॉपर कैलकुलेशन किया जाता है, वो आपका GDP कहलाता है, ठीक है। इसका होता है GDP रिप्रेजेंट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, इसमें सारे सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टेरिटरी सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स को कंप्यूट किया जाता है, और जितनी भी सर्विसेज हैं साथ ही साथ आपका जो भी प्राइमरी सेक्टर्स की चीजें हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, साथ ही साथ आपके जो हम लोग प्राइमरी सोर्सेज से जो भी चीजें यूटिलाइज करते हैं उन सभी का वैल्यूएशन किया जाता है
और उनकी ग्रोथ निकाली जाती है, वो हमारा जीडीपी कहलाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इसको पूरा नाम इसका बोला जाता है। वही आते हैं रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स क्या होता है, कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो कितनी स्ट्रांग हुई है, यहाँ पे हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। इट इज द कोइंसिडेंस इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर होता है, क्वार्टरली भी आता है, ठीक है, और एनुअली बेसिस पे भी आता है। गवर्नमेंट आप लोग देखते होंगे, महंगाई दर शाम को आने वाली है, इस तरीके की न्यूजेज आती हैं, तो उसमें ये सारी चीज दिखाई जाती है। और जिस भी कंट्री की जितनी ज्यादा अच्छी सेल्स होगी, मतलब उनकी उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ। तो अगर सेल वो अच्छा, उसके आंकड़े अच्छे आते हैं, ग्रोथ होता है आपके रिटेल सेल्स में, तो उस करेंसी में भी आपकी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये आप यहाँ पे पढ़ लेना, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरी है कंज्यूमर सीपीआई। सीपीआई इज द स्टैटिकल टाइम सीरीज मेजर ऑफ वेटेज एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाई कस्टमर। कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ गुड्स हैं और एक इंडिकेटर है ये, जो कि टाइम टू टाइम कैलकुलेट किया जाता है, पिछले बेसिक जो बेसिस इंडेक्स होता है उससे कि कितनी ग्रोथ हुई है, तो ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। द इंडिकेटर मेजर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी फॉर द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर जनरली बॉट बाई द पीपल। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में महंगाई कितनी बढ़ी है, कुछ प्राइस, कुछ स्पेसिफिक जो गुड्स हैं तो उनको कैटेगराइज किया जाता है, और इससे ये निकाला जाता है कि वो जो गुड्स हैं, जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं, उसकी महंगाई बढ़ी है या घटी है, तो इसका अनुमान निकाला जाता है, महंगाई के आंकड़े इससे निकाले जाते हैं। लास्ट है हम लोगों का नॉन फॉर्म पेरोल्स। किसी भी कंट्री में किसी एक पार्टिकुलर टाइम में जो भी जॉब्स हैं, कितने जॉब्स में से जो टर्नओवर हुआ है, जितने जॉब ऐड हुए हैं या जितने जॉब गई हैं, इन दोनों का जो कैलकुलेशन किया जाता है, उस कैलकुलेशन को हम लोग नॉन फॉर्म पेरोल्स बोलते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे पूरी तरीके से दी हुई है, आप एक बार में देख सकते हो। मैं सिंपल लाइन में आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंट्री में जितने भी जॉब गई है और जितने भी एम्प्लॉयमेंट आया है, उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसी को हर एक मंथ में कैलकुलेट करते हैं, एक पार्टिकुलर पीरियड पे कैलकुलेट करते हैं, और उसी को बोलते हैं नॉन फॉर्म पेरोल। जैसे कंपनीज में हम लोग एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, कि कितने लोग आए और कितने लोग गए हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से इन पूरे इंडिया में कितने एम्प्लॉयमेंट आए हैं और कितने एम्प्लॉयमेंट गए हैं किसी पार्टिकुलर मंथ में या किसी पार्टिकुलर पीरियड में, उसे हम लोग नॉन फॉर्म पेरोल्स कहते हैं। इसके बहुत सारे आपके कैलकुलेटिव सिस्टम्स हैं, वो यहाँ पे इरिलेवेंट है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ, जितना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसके उसके बेसिस पे भी हमारी करेंसी इम्पैक्ट करती है। अगर इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मतलब हम माल बाहर से खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमें नुकसान होता है, हमारे साथ बाहर का कर्जा बढ़ता है, और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा हो। एक्सपोर्ट करने को जो आप लोगों को छूट देती है, आप लोगों को बहुत सारे लाइसेंस फ्री कर देती है, आपको टैक्स से फ्री कर देती है, ताकि फॉरेन करेंसीज इंडिया में आए, जिससे हमारी इकोनॉमी बिल्ड हो, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाए, ठीक है। ये आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का होता है। इम्पोर्ट करने से बिल्स ऑफ पेमेंट बढ़ता है, जो हमारे लिए काफी खतरनाक होता है, मतलब हमारे लिए वो पॉजिटिव नहीं होता है। वही आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता है या डेफिसिएट हमारे उसमें आती है, वही जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो हमारे पास फॉरेन का रिजर्व आता है, उससे क्या होता है, हमारी जो करेंसी है वो मजबूत होती है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करती है और इम्पोर्ट पे काफी रिस्ट्रिक्टिव है। आईफोन आप इंडिया में लेते हो तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लग जाती है, महंगा हमें प्राइस होकर के मिलता है। सेंट्रल बैंक मीटिंग एंड की डिसीजन, बहुत सारे सेंट्रल, आज जैसे आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया या बढ़ा दिया, ठीक है, फेड रेट ने आपका रेट बढ़ा दिया या घटा दिया, इससे भी सेंट्रल बैंक की भी जो एक्टिविटीज होती है, इससे भी किसी एक पार्टिकुलर करेंसीज की जो करेंसी है वो आपकी या तो बढ़ती है या तो उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिससे दूसरी करेंसी घटती है, ठीक है। ये आपके जो फैक्टर्स हैं, ये ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी करेंसी के बढ़ने और घटने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और इसी की वजह से कोई भी करेंसी या तो स्ट्रेट होती है, मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, वो मजबूत होती है, या तो वो वीक होती है, ठीक है। ये यहाँ पे फाइनली हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन हुई हो, आप कमेंट सेक्शन पे आपके क्वेश्चन कर सकते हो, अगर पॉसिबल रहा तो मैं वहां पे या तो ये रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स में मैं
एग्जांपल्स के साथ बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई होगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए या लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।